नगर निगम आयुक्त अपने नियमित रूटीन के तहत शहर में सुबह किसी भी क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आयुक्त बैकुंठ धाम क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 10 बिस्तर अस्पताल का निरीक्षण किया। भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अपने रूटीन मॉर्निंग विजिट में देखा कि अस्पताल के सामने की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। निगम आयुक्त ने जनदीप समिति के फंड से बाउंड्री वॉल के संधारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बंद वाटर एटीएम को भी चालू करने को कहा है। अस्पताल के बाजू में झूला पॉइंट की सफाई करने के निर्देश जोन आयुक्त को निगम भिलाई के आयुक्त ने दिया है। समीपस्थ क्षेत्र में नालियों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अभियान के तहत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आसपास के अस्थायी डंपिंग साइट के समीप कच्ची नाली निकासी हेतु बनाने अधिकारियों को कहा गया है। उन्होंने जयंती गार्डन में वृक्षारोपण, लाइट साफ सफाई तथा बाउंड्री वॉल संधारण के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तथा 18 नंबर रोड के मयूर गार्डन में बैठने के लिए चबूतरा का संधारण करने के साथ खेलकूद सामग्री का संधारण तथा ट्रांसफार्मर के नीचे के कचरे की साफ सफाई एवं प्रवेश द्वार पर साफ सफाई रखने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए हैं। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल ने भिलाई में बृहद साफ सफाई रखने अधिकारियों को कहा है। जल जनित बीमारियों के रोकथाम, नियंत्रण एवं उपायों को मोहल्ले एवं क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत भिलाई निगम की विशेष टीम इस कार्य में जुटी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।